शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री का विपक्ष पे तंज, बोले पराजय के बाद भी नहीं जाता कांग्रेस का अहंकार, कहा जवाब देना बन गया हमारी मजबूरी, सवाल नतीजों का नहीं नियत का। ओवैसी पर हुए हमले पर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा ओवैसी का ना तो आपूर्ण में कोई कार्यक्रम था और ना ही आने की कोई सूचना दी थी। 21 दिन के फरलो के बाद सुनारिया जेल से बाहर निकला रेप और हत्या का दोषी राम रहीम, गुरुग्राम के साउथ सिटी डेरे में केक काटकर हुआ स्वागत, सिरसा डेरे में भी बढ़ी हलचल। फरलो का चुनाव से नहीं है कोई संबंध, मुख्यमंत्री बोले 3 साल के बाद फरलो हर आम कादी का अधिकार, जेल मंत्री ने भी फरलो चुनाव को बताया महज इत्तेफाक। बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी पहल, प्री बजट चर्चा में मंत्री और अधिकारियों के साथ मंथन, कल कैबिनेट की बैठक में लग सकती है बजट सत्र पर मुहर। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर के शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार का जुमला करार दिया, कहा प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खराब फसलों का अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सरकार को खराब फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी करवानी चाहिए। करनाल जिला सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया है, किसान यूनियन ने फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। कैथल में लघु सचिवालय और आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है, हड़ताल 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय किया। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन 14 फरवरी तक बढ़ाने को लेकर के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचकुला में विकास मंच के बैनर तले लोगों ने नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन, दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने की नारेबाजी, विकास मंच के सदस्यों ने नगर निगम पर आरोप लगाए। घोलाचीका में अध्यापकों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के घर का घेराव किया, बीते दिनों डीसी आवास पर प्रदर्शन में सस्पेंड अध्यापकों का सस्पेंशन वापस लेने पर प्रदर्शन किया। पलवल बार में अधिवक्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद वकीलों ने मामले को झूठा बताते हुए कैंसिल कराने की मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठ गए। करनाल में डीसी निशांत कुमार यादव ने शहर के खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण किया है, कहा जल्द असंध बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को रॉन्ग साइड पर चलना पड़ रहा है, इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में सड़क पर भरे सीवर के गंदे पानी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों को शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, सीवरेज की समस्या से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कनीना दादरी रोड के पास खोड़ी गांव में पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है, इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1231 नए केस हैं, 21 मरीजों की मौत हो गई है, एक दिन में 3000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। CIA टोआना पुलिस ने लाखों रुपए कीमत की 410 ग्राम हेरोइन बरामद करके कार सवार महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, कार से पुलिस को 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद। रेवाड़ी में दिनदहाड़े घर से दुकान जा रहे कार सवार दुकानदार से बाइक सवार 9 बदमाशों ने रिवॉल्वर की नोक पर 22,000 की नकदी और उसका मोबाइल फोन लूट लिया। हांसी के सुल्तानपुर में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने मजदूरों को कुचल दिया, हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, 4 महिला मजदूर घायल हो गए। गुरुग्राम का सेक्टर 108 में फ्लैट में महिला वकील का संदिग्ध हालत में शव मिला है, महिला वकील काफी समय से अपने दोस्त के साथ लिविन में रह रही थी, परिजनों ने महिला वकील की हत्या की आशंका जताई। करनाल के निसिंग में लापता 25 वर्षीय युवक का शव पानीपत में नहर से बरामद किया गया है, परिजनों का कहना है कि युवक की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, न ही उसको तैरना आता था।